अक्सर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास एक डीजे सेट है और ये डीजे सेट के लिए जो जनरेटर चाहिए वो कितना कैपेसिटी का, कैसा टाइप में जनरेटर सेट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आज जो वीडियो है ये स्पेशली हमारा डीजे भाई साहब के लिए है, जो लोग डीजे प्रोग्राम करते हैं, जिनके पास डीजे है और वो रेंट पर देते हैं, उन लोगों के लिए आज ये वीडियो है। और इसमें बताएंगे आपको कि ये डीजे के लिए स्पेशली पार्टीज शादी वगैरह के लिए कौन सा जनरेटर आपका एकदम परफेक्ट रहेगा, किस टाइप का जनरेटर चाहिए, जनरेटर का फुल डिटेल्स, उसका प्राइस कितना होगा, सब कुछ बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। 90% प्रोग्राम में आजकल डीजे रहता है, बिना डीजे का कोई प्रोग्राम आजकल होता ही नहीं है। तो ये डीजे जो होता है, ये डीजे के लिए जो जनरेटर चाहिए वो जनरेटर परफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए वो जनरेटर अगर परफेक्ट नहीं रहा तो जब लोड पड़ता है उसमें, जब बेस पड़ता है तब किसी किसी टाइम में वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो वो सब जनरेटर लेके कोई फायदा नहीं है। तो डीजे के लिए कौन सा जनरेटर परफेक्ट रहेगा आप लोगों को, देखिए 7.5 kVA जो जनरेटर है, 7.5 kVA में भी बहुत कैटेगरी में आता है, आपको कुछ बता देता हूँ कौन सा लेना चाहिए। 7.5 kVA का जो जनरेटर सेट है वो, उसमें आपका इंजन रहेगा 12 HP का, आप चाहे एयर कूल लीजिए, वाटर कूल लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इंजन उसमें आप 10 HP से 12 HP तक इंजन दीजिए। और उसके साथ जो अल्टरनेटर होगा, डायनामा जनरेटर जिसको बोलते हैं, वो 7.5 kVA का ट्रांसफॉर्मर टाइप अल्टरनेटर आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर टाइप में भी अभी जो एक बॉडी में आता है, एल्युमिनियम बॉडी में आता है, लेकिन उसका जो बाइंडिंग है वो कॉपर होना चाहिए। देखिए हम लोग दिखा रहा है, ये जो जनरेटर है ऐसा टाइप जनरेटर होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जब डीजे का बेस बढ़ता है तो ये कभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है। क्यों ड्रॉप नहीं करता है ये आपको बताते चलिए, इसका जो अल्टरनेटर है ये टॉप खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफार्मर दिया गया है, और ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के साथ ये डायोड दिया गया है। ये जो डायोड है ये मेटल डायोड है। आमतौर पर जो डायोड दिया जाता है डायोड टाइप अल्टरनेटर में या दूसरा कोई अल्टरनेटर में, उसमें जो डायोड होता है एकदम नॉर्मल वाला डायोड दिया देता है, जो मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया करके या 5 रुपया करके दाम है। लेकिन ये मेटल डायोड होने के कारण आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज ये पकड़ के रखता है, ड्रॉप करने नहीं देता है। और दूसरा ये है कि इसमें देखिए एक कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर इसीलिए लगा हुआ रहता है कि मान लीजिए आप इंजन चलाया, चलाने के बाद फिर उसमें लोड दिया, तो जैसे ही इंजन में लोड पड़ा तो कंडेंसर काम करता है कि रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज को ये एक्यूरेट रखता है, ये कंडेंसर का काम हो गया। तो इसमें आपका डबल प्रोटेक्शन रहता है, एक तो हो गया ये ट्रांसफार्मर टाइप, दूसरा हो गया ये कंडेंसर। तो ये जो अल्टरनेटर है ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटर है, आप ये 7.5 kVA में 2 pair डीजे आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसका इंजन का VHP आप लोगों को जो बताया, 10 HP से 12 HP का इंजन देने का कोशिश करिएगा। फिलहाल हमारा ये जो इंजन है इसमें देखिए एयर कूल एक इंजन है, इसमें 12 HP का एयर कूल इंजन दिया गया, और इसके साथ जो अल्टरनेटर है 7.5 kVA अल्टरनेटर दिया गया। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये रेशियो में आप लोग अगर इंजन लगाइएगा, जनरेटर लगाइएगा, तो आपका लोड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डायोड वाला भी चलेगा। लेकिन क्या है, आपको जो बताया कि डायोड वाला में वोल्टेज ड्रॉपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसका जो ये जो सेट है, ये सेट का दाम थोड़ा ज़्यादा है डायोड वाला से, लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग टाइम काम चलाना है तो मेरे हिसाब से ये जो सेट है ये सेट एकदम परफेक्ट रहेगा। आप बात करते हैं ये जो जनरेटर सेट है इसका दाम कितना होना चाहिए, मार्केट में कितना होना चाहिए, हमारा शोरूम में कितना होना चाहिए, सब आपको बता देते हैं। देखिए ये जो 7.5 kVA का एयर कूल जो ये जेनसेट है, एयर कूल वाला, इसका दाम आप ब्रांडेड में अगर लीजिएगा इसको मार्केट में, तो इसका रेट आएगा आपका 70,000 से 80,000 तक, अगर ब्रांडेड में चाहिए तो। नॉन ब्रांडेड में तो आपका बहुत कम में मिल जाएगा, लेकिन हम ब्रांडेड का बात कर रहे हैं। और हमारा शोरूम में अगर आप परचेस करना चाहते हैं, हमारा शोरूम से अगर आप परचेस करिए तो ऑल ओवर इंडिया आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाएगा। यहाँ से अगर परचेस करते हैं तो लगभग मान लीजिए आपका 5 से 7% तक डिस्काउंट हो सकता है।
तो वो ये जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सअप भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या हम लोगों को कमेंट्स में भी बता सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट रेट आप लोगों को वहाँ बता दिया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम लोग मशीनरीज एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर टाइप का वीडियो, हर टाइप का जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं।